गुरुग्राम जेल से बाहर आकर अपना सिक्का जमाने की नीयत से फायरिंग करने व जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी इसी मामले में पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें मिलाकर कुल 6 आरोपियों की पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है। गुरुग्राम के अलीपुर गांव में घर में फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस इन आरोपियों को पिछले काफी समय से तलाश रही थी। हत्या और अन्य आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता ये आरोपी जेल से बाहर जमानत पर आकर अपनी दहशत जमाना चाहते थे और इसी बल पर अपनी गैंग का सिक्का काबिल करने की नीयत से 5 फरवरी को अलीपुर गाँव में एक व्यक्ति के घर पर इन्होंने फायरिंग की और उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी एवज में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 2 अन्य आरोपियों को इसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जबकि मुख्य तौर पर इस घटना में शामिल 4 अन्य आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिसमें इन्होंने बताया कि ये अब इस तरह का दबाव बना के और इस तरह का गिरोह चलाना चाह रहे थे ताकि वो इस तरह की एक्सटॉर्शन यहाँ कर सकें और लोगों से पैसा वसूल कर सकें। आज हम इनको कोर्ट में पेश करके इनका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं और उसके बाद जो भी संबंधित इनकी रिकवरीज हैं वो की जाएंगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ये प्रीवियस भी इनका रिकॉर्ड है, मर्डर में, अटेम्प्ट मर्डर, लूट, इस तरह के मुकदमों में ये शामिल रहे हैं और अब ये कुछ दिन से जमानत पे आए थे तो अब इन्होंने दोबारा इस तरह का अपराध की जरूरत की थी, जिस पे तुरंत गुड़गांव पुलिस ने एक्शन लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मामले में पुलिस ने तावड़ू रोड से नरेंद्र उर्फ सोनू, अब्दुल, सुनील और मोहम्मद इकबाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी पिछले काफी समय से अपराध की दुनिया में शामिल हैं और कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।